हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरबाब उस्मानी और मैं को फाउंडर सी ऑफ स्किल का, और मेरे साथ में है रणदीप साहब। हाय एवरीवन, हाय सर। सो आपको थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूं रणदीप को। तो रणदीप की एज अभी हो रही है अराउंड 24 साल। सो रणदीप जो है ये एक कंपनी चलाते हैं जिसका नाम है रेयर प्लैनेट, जो कि आपको हैंडक्राफ्ट आइटम बेचते हैं। इनका एक बड़ा कुल्हड़ मशहूर है जिसका नाम है देश की कुल्हड़, जिसके बारे में टाटा टी ने एडवर्टीजमेंट किया था, सोनू सूद, शबाना आजमी, बहुत सारे सेलिब्रिटी ने भी किया था 15 अगस्त के टाइम में किया था। अगर आप उनको फॉलो करते होंगे तो आप शायद उनके इंस्टाग्राम अकाउंट या फेसबुक अकाउंट या सोशल अकाउंट में जरूर देखे होंगे। तो वही देश का कुल्हड़ जो था, कुल्हड़ नहीं करता। तो अभी इनकी कंपनी की वैल्यूएशन है अराउंड 100 crore या उससे ज्यादा की थोड़े से वैल्यूएशन होंगे, क्योंकि अभी इन्होंने हाल फिलहाल में फिर से एक फंडिंग उठाई है। और हम लोग आज इनसे बात करेंगे कि कैसे इन्होंने अपना जर्नी स्टार्ट किया और अपस्किल ने कैसे इनको हेल्प किया, और कैसे इन्होंने जो डिजिटल को पहले देखने का नजरिया था उस नजरिया को कैसे चेंज कर दिया डेटा। तो हम लोग उस बात को देखेंगे, राइट रणदीप? यस सर। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये वीडियो को। तो रणदीप, मेरे को ये बताइए कि सबसे पहली बात कि 24 आपकी एज हो रही है, राइट? और आपने अपनी कंपनी स्टार्ट की काफी कम एज से, राइट? तो कैसे ये जर्नी कैसे स्टार्ट? सर 19 का उम्र था, कॉलेज में था, फर्स्ट ईयर में। लाइक बेसिक हर इंडियन के तरह मैं भी इंजीनियरिंग ही करने गया था, राइट? अब 2014-15 के टाइम में ई कॉमर्स का बूम आया हुआ था देश में। अमेज़न आया, मिंत्रा, जबोंग, सबको याद है। तो मैंने भी सोचा क्यों ना कुछ बेचते हैं डिजिटली, और मैं मिट्टी के कुल्हड़ पे पेंट करके बेचना स्टार्ट किया। देश की कुल्हड़, देश का जो कुल्हड़ अभी हुआ, तो उस कुल्हड़ पे बेचना स्टार्ट किया था ई कॉमर्स में। लेकिन तब ना उतना ई कॉमर्स और डिजिटल समझ नहीं आता था, और फर्स्ट 6 महीने में हमें कुछ ऐसा आउटपुट नहीं आया डिजिटल से। इसमें 18 इंडिया में जो अच्छे 18 एयरपोर्ट्स हैं, 18.5 एयरपोर्ट्स में हम लोग हैं। और कोलकाता में हमारा खुद का स्टोर है एयरपोर्ट। सो आप लोग अगर एयरपोर्ट में जा रहे हैं जैसे बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता, राइट, तो वहां पे आप इनका स्टोर देख सकते हो। रेयर प्लैनेट नाम है स्टोर का, और जहां पे आप इनका देख सकते हो, राइट? यस सर। लेकिन हमेशा से ना ये था कि हम लोग जब भी फंड रेज करते थे या कुछ भी करते थे, हमें एक चीज सुनने मिलता था, योर बिजनेस इज नॉट डिजिटल। तुम डिजिटल नहीं हो, तुम सिर्फ ऑफलाइन हो, सिर्फ रिटेल हो। और हमें उतना खास फर्क नहीं पड़ता था पैंडेमिक के पहले तक, क्योंकि एयरपोर्ट ऐसा एक बिजनेस है जिसमें कभी अंत नहीं है, मतलब कभी सूरज नहीं ढलता एयरपोर्ट में, 24 आवर्स होता है। बट देन लाइक एन ई-कॉमर्स बिजनेस 24 आवर्स होता है, जैसे ई-कॉमर्स 24 आवर्स होता है, ऐसे एयरपोर्ट 24 आवर्स होता है। बट देन पैंडेमिक ने हमें सिखाया कि डिजिटल जाना कितना इम्पोर्टेंट है। सो दोस्तों, मैंने इस पे एक बात बोली थी, ये मेरे पास आता है, मैं हमेशा बोलता हूं, किसी का कोट है जो मैं यूज करता हूं, बोलता हूं कि देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी इन केओस। तो जहां पे केओस होगा वहां पे अपॉर्चुनिटी भी होगा। वही अपॉर्चुनिटी मैंने सीख किया, एंड देन he started learning you know the digital marketing from me and upskill and other teachers as well, right? Yes, so a very interesting thing. So business to ho nahi rahi hai, March mein lockdown ho gaya, April we went into nil revenue, I was all mad ki hua kya, ab karna kya hai. Website to hum logo ka tha, but us pe nil ke barabar business aata tha, traffic hi nahi tha. तो मैंने अरबाब सर को एक दिन फोन किया, ऐसे ही नंबर निकाल कर, मैं अरबाब सर को 5 साल से जानता हूँ। तो मैंने फोन किया, पूछा कि सर मेरे को कुछ लोग हायर करना है, डिजिटल मार्केटिंग करना है, बिजनेस बड़ा करना है। तो सर बोले, देख तुम्हें तो पता नहीं है, जब तक तुम्हें पता नहीं होगा कि ये चीज़ है क्या, तब तक तुम लोगों को कभी हायर भी अगर करके चला नहीं पाओगे। तो दैट्स व्हेन वी थॉट कि मी एंड माय कोफाउंडर विजय, हम लोग बोले कि नहीं, हम लोग सर का क्लास करेंगे, और हम लोग अपस्किल ज्वाइन किए। एंड थैंक्स टू पैंडेमिक की अपस्किल वो हो गया, मतलब डिजिटल ऑनलाइन हो गया। पहले ऑफलाइन थे हम लोग, उसके बाद ऑनलाइन हो गया। तो हम लोगों ने क्लास ज्वाइन किया, 4 महीने की क्लास। मैं और विजय जी फर्स्ट दिन से इंपेशेंट, जस्ट ज्वाइन कर लिया, धंधा कैसे लाएंगे। थिंग्स लाइक एन एंटरप्रेन्योर, राइट? धंधा आना चाहिए। तो स्टार्टिंग में हम लोग कंटेंट के क्लासेस थे, SEO, मेरे को याद है SEO में तुमने वो टेराकोटा कुल्हड़ पे तुमने किया था, पिछले 15 दिन में ही तुम्हें रिजल्ट आ गया था, बहुत रैंकिंग करने लगा था, राइट? तो हम लोग जो भी क्लास में कराते थे ना सर, हम लोग जाके अपने साइड पे ही प्रैक्टिस करते थे।
हर पेज में ये ऑन पेज एसईओ कैसे अपने पेज में ठीक करके देखे ना रिजल्ट आता है कि नहीं. और वी वेर लाइक मास्टर्स इन टेराकोटा क्योंकि इधर टेराकोटा वी सेल इज नो वन एल्स इन द कंट्री डूइंग इट. और टेराकोटा में हमें इंस्टेंट रिजल्ट दिखा मैंने क्लास के बीच इट वॉज लाइक वन मंथ एंड अ फ्यू डेज और हमें रिजल्ट दिखना स्टार्ट किया. फिर धीरे धीरे ये आया एफिलिएट फिर आया पेड मार्केटिंग एंड पेड मार्केटिंग वॉज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ इट. मतलब उसमें से हमें समझ आया कि धंधा लाना कैसे है. सो एक बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडीज के साथ मुझे अभी मैं बात कर रहा था. सबसे पहले ये बताओ कि मैंने तो ये सुना है, अब मेरे को बताना सही है कि नहीं, उड़ते उड़ते खबर सुना मैंने भाई. तो मैंने ये सुना है कि तुमने जो पिछले महीने है जो सेल किया है वो शायद सबसे ज्यादा सेल किया है, कुछ अराउंड कुछ ऐसा कुछ डेटा है, मेरे को क्लियर थोड़ा करो ये बात. तो अगला हम लोग 5 साल से कंपनी चला रहे हैं. 5 साल में जो हम लोग टोटल रेवेन्यू करते थे मंथ ऑन मंथ उसका हाईएस्ट रेवेन्यू इन अ मंथ वाज लास्ट मंथ. जैसे कि तुम्हें एक और बात समझ में आया कि एक एड को बार बार दिखाना चाहिए राइट. वो वाला क्या था मेरे को थोड़ा फनी इंसिडेंट तक क्या था बताओ. तो हम लोग जब क्लास करते थे ना तो अरबाब सर हमेशा बोलते थे तो सर और अपने प्रवीण सर ये दोनों मिलके रहते थे पेड का क्लास. हमेशा एक चीज बोलते थे कंटेंट पे फोकस करो, बिना कंटेंट के कुछ बिकता नहीं है. तो मैंने तुमको एक चीज बताया था कि देखो तुम्हारा जो यूजर है जब तुम्हारे इसमें क्लिक कर रहा है तो उसका कोई ना कोई पेन पॉइंट वो सॉल्व करना चाह रहा है. Exactly. अगर तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट उसको एक स्नैपशॉट दे दे कि ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व करते हैं और लैंडिंग पेज कन्विंस कर दे कि वी आर द बेस्ट पर्सन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. Right, we are the best person to solve this problem, and then you are going to get sales. मेरे को याद है आपने वो GRE का हम लोग GRE के pages का example ले रहे थे ad से जाके कि किसका landing page सबसे अच्छा है. और मतलब there are certain terms, मतलब एक चीज हम लोगों ने class में सीखी है कि जो buttons होते हैं buttons के ऊपर जो आप word लिखते हो call to action उसपे जो word लिखा है उसपे भी customer side की बहुत depend करता है. तो ये सारे चीजों में हम लोगों ने और जो फनल वाला बहुत इंटरेस्टिंग चीज है सर ने एक फनल सिखाया था हमें कि कस्टमर को दिखाते रहो डिफरेंट डिफरेंट. पकड़ लो अगर मेरे को ये फोन बेचना है ठीक है इसी फोन का डिफरेंट डिफरेंट ग्राफिक्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म वेरिएशन के साथ उसे दिखाते रहो बस 7 दिन 10 दिन मेक द कस्टमर अवेयर. जो पढ़ाया था 10 दिन लगा दिया पैसे भी लग गए कुछ सेल नहीं आया 12वें दिन से इसको सेल आना चालू हो गया. फिर ऐसा सेल आया तो इसको इसको लगता था कि जो ई कॉमर्स है ना वो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट सॉरी सिर्फ अमेजन या फ्लिपकार्ट से कर सकेंगे अपनी साइड से थोड़ी कोई कर देगा ये उसको लगता था. और बाद में इसका धीरे धीरे तो फर्स्ट दिन से बोलता था कि अभी सेल आएगा फ्लिपकार्ट और अमेजन में ही सेल आता है अपना साइड है ठीक है वही छोटे मोटे सेल्स होते हैं 2-3 पीसेस बिक सकते हैं. बट ऐसा सेल आया लास्ट मंथ उसके बाद रियलाइज हुआ कि नहीं बॉस डिजिटल में सच में बिजनेस है बहुत बिजनेस है. नो मैटर लाइक वी हैव सीन अर्बन लैडर पेपर फ्राई दीज कंपनीज हैव बीन डूइंग ब्रिलियंटली वेल विद डिजिटल बट मेरे लिए नया था और विदाउट अपस्किल मतलब विदाउट दिस होल क्लास और जैसा हम लोगों ने सीखा है उसके बगैर दिस वाज नॉट पॉसिबल. सो एक और चीज था कि रणदीप जो है बेसिकली डिजिटल में काफी ज्यादा काम कर रहे हैं ऑफ कोर्स ब्रांडिंग का भी काम करना इन्होंने चालू किया है जो कि अगेन इनको बहुत देगा. एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि तुमने टाटा टी के साथ में एक कैंपेन किया जिसमें सोनू सूद ने और दूसरे स्टार्स ने भी उसको प्रमोट किया था राइट. तो वो कैंपेन कैसा चला क्या चला क्योंकि वहीं से तुमको जो मेन बूस्ट है तुमको ई-कॉमर्स का तुम्हारे वेबसाइट में वहां से भी मिला था राइट. तो हम लोगों ने सर का क्लास ज्वाइन किया था मई में और अगस्त में आया टाटा का कैंपेन. सो जो मिट्टी का कुल्लर से हम लोग स्टार्ट किए थे वो कुल्लर बन गया देश का कुल्लर. टाटा ने उसको देश का कुल्लर बनाया देश का कुल्लर. हर सेलिब्रिटी मतलब सोनू सूद राजकुमार राव मानसी छिल्लर शबाना आजमी द लिस्ट वाज वेरी लॉन्ग एंड एवरीवन वाज प्रमोटिंग इट ऑन डिजिटल मीडिया ऑन 15th अगस्त कि देश की चाय देश का कुल्लर. उस दिन जो सेल आया और उस दिन अगर मैं क्लास नहीं किया हुआ रहता
तो मेरे को वो ऑडियंस जो हम लोग क्रिएट करते हैं फेसबुक और फिर से दोबारा सेल करने बड़ा मुश्किल होता है, दैट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट. So now when this huge organic traffic came in, because there were advertisements on every newspaper that day, और हमने मतलब क्या लक है, मैं सर से मिला, मैंने एड्स के वो बनाए, सारे ऑडियंसेस क्रिएट किए और सारे ऑडियंसेस में डेटा भी कलेक्ट हुआ क्योंकि इतने लोग आए थे साइट पे. और अब जब हम लोग चलाते हैं ई-कॉमर्स, उसी ऑडियंस को री टारगेट, उसका लुकल आए. अच्छा एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी बताएंगे, शायद रणदीप को याद नहीं है, जिस दिन टाटा का कैंपेन चालू होने वाला था उससे जस्ट पहले उसके वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, वायरस लग गया था राइट. अरे साइट उड़ गया था, मतलब साइट लोड नहीं हो रहा था या कुछ, एक वर्डफेंस, मतलब उन्होंने वर्डफेंस इंस्टॉल किया था उसमें. हाँ वही था, तो रात में 1 बजे इसने मेरे को मैसेज किया कि भैया क्या करें. तो हम बोले भाई मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, तेरे को मैं एक आदमी को मिला देता हूँ, उसको कर, सुबह सुबह उठते साथ उसको कॉल कर, वो तेरे को सॉल्व कर देगा. तो रोशन से मैंने इसको मिलवाया था राइट, और उसके फिर वहाँ पे उसका हेल्पफुल होके, मतलब कि समझो कि कल होके उसका कैंपेन जाने वाला, आज इसकी वेबसाइट ही बैठ गई, वायरस लग गया, ये लग गया. और वो भी ऐसा छोटा मोटा कैंपेन है, टाटा के साथ में सारे स्टार्स को कर रहे हैं राइट, उसको हैंडल करने एक दिन में बड़ा मुश्किल टास्क था. We got somewhat close to 15 lakh hits on the website. 15 lakh hits. So, मतलब वही डेटा को तो हम यूज करते हैं अभी. अगर क्लास नहीं किया हुआ रहता वो डेटा भी लॉस हो जाता. और मतलब सो दिस क्लास हैज चेंज्ड द वे आई यूज्ड टू लुक एट डेटा, द वे आई प्रोसेस थिंग्स. सो मतलब सो रिसेंटली अभी तुमने फंडिंग फिर से उठाई सुनने में आया. भगवान के आशीर्वाद से आगे और कितना उठाने का मन है. अभी फिर से एक टर्म शीट आई हुई है, नंबर्स डिस्क्लोज नहीं कर सकते, टर्म शीट आई ऑफ कोर्स नंबर तो डिस्क्लोज नहीं कर सकते. तो अभी रिसेंट एक 3.5 करोड़ उठाया था, अभी फिर से उठा लिया. तो अभी वैल्यूएशन कितनी होगी तुम्हारी कंपनी की? अच्छा खासा वैल्यूएशन भी डिस्क्लोज नहीं करते, बट हां 3 डिजिट में वैल्यूएशन है. 100 CR था तो उससे तो बढ़ गया होगा वैल्यूएशन, जैसे फंडिंग में वैल्यूएशन बढ़ता है तो 3 से 4 डिजिट कब देखेंगे अगले साल तक का तुमने बताया बोला. देखते हैं सर अगले साल, बस आप लोग आशीर्वाद करो, हम तो मेहनत करेंगे, पूरी टीम मेहनत करेगी और डिजिटल अगर साथ रहा तो जरूर मतलब बहुत जल्दी 4 डिजिट में पहुंच सकते हैं. सो ये था आपके बारे में, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम लोग पहला भी किक ऑफ कर रहे हैं तो हम लोग सोचेंगे इन पर्सन ही कर लें इसको राइट. सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप सक्सेस करो, अच्छे से काम करो, हम लोग तो साथ हैं, लाइफ टाइम कम्युनिटी सपोर्ट. सर आप साथ रहो, आप स्किल साथ रहे, बस हम लोग सबको मिलके कम्युनिटी को आगे बढ़ाएं. सो लाइफ टाइम कम्युनिटी सपोर्ट रहेगी. और अगर आप लोग जो वीडियो देख रहे हो तो आप हमारे चैनल पे लाइक करो, कमेंट करो, जो इनसे पूछना है तो ये कमेंट में भी जवाब देंगे आपको, अगर करेंगे मैं श्योर करूंगा ये जवाब दें. कि अगर कुछ क्वेश्चन है आपका एंटरप्रेन्योरशिप को लेके, कैसे इन्होंने एक्चुअली में कैसे इन्होंने धीरे धीरे करके स्केल किया, कैसे धीरे धीरे चीजें किया, ऐसे इसका इनका एक और इंटरव्यू इन सब बातों को लेके नेक्स्ट बिग ब्रांड के यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी है, और भी डिटेल में इंटरव्यू, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. तो आप लाइक करो, कमेंट करो, पूछो क्वेश्चन और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, ताकि आपको और भी हम ऐसे अमेजिंग पर्सनालिटी से मिलाएं, ऐसे बेहतरीन लोगों से मिलाएं, और जिनसे जिनकी स्टोरी सुन के आप इंस्पायर हो सको और आप कुछ एक्शन ले सको. तो बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में. थैंक यू सर.